व्यर्थ चिंतन की प्रतीति अधिकतर तभी होती है जब साधक शांति संपादन का प्रयास करता है। किसी कार्य में लगे रहने पर व्यर्थ चिंतन का भास नहीं होता। विश्राम काल में ही व्यर्थ चिंतन का प्रवाह प्रकट होता है, जिसके होते ही शांति भंग हो जाती है और साधक बलपूर्वक उसे मिटाने का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं हो पाता। कारण कि न चाहने पर जो चिंतन उत्पन्न हुआ है उसका नाश तभी होगा जब उससे असहयोग कर लिया जाए तथा उससे तादात्म्य तोड़ दिया जाए। असहयोग करते ही उत्पन्न हुआ व्यर्थ चिंतन निर्जीव हो जाता है और तादात्म्य मिटते ही उसका समूल नाश हो जाता है। पर यह रहस्य वे ही साधक जान पाते हैं जिन्होंने विश्राम अर्थात परम शांति का महत्व स्वीकार किया है। परम शांति सर्वतोमुखी विकास की भूमि है, इस कारण उसका सुरक्षित रखना परम आवश्यक है। पर वह तभी संभव होगा जब व्यर्थ चिंतन का नाश हो जाए। विश्राम की भूमि में ही आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है और विश्राम में ही विचार का उदय तथा विरह की जागृति होती है। इस दृष्टि से विश्राम का संपादन मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सभी को मान्य है कि प्रत्येक प्रवृत्ति के आदि और अंत में विश्राम स्वतः सिद्ध है, पर उसमें आस्था श्रद्धा तथा विश्वास न होने के कारण विश्राम में प्रियता उदित नहीं होती। उसका परिणाम यह होता है कि विश्राम काल में आगे पीछे का व्यर्थ चिंतन होने लगता है। विश्राम की प्रियता विश्राम से अभिन्न करने में समर्थ है। यह नियम है कि प्रियता जिसमें उदित होती है वह उसे उससे अभिन्न कर देती है जिस की वह प्रियता है। इस दृष्टि से विश्राम के वास्तविक महत्व को स्वीकार करना मानव मात्र के लिए परम आवश्यक है। बलपूर्वक किए हुए सार्थक चिंतन से व्यर्थ चिंतन नष्ट नहीं होता, अपितु व्यर्थ चिंतन के त्याग से सार्थक चिंतन स्वतः जागृत होता है। इस दृष्टि से कुछ व्यर्थ चिंतन के त्याग में ही पुरुषार्थ की परावधि है। व्यर्थ चिंतन के रहते हुए बलपूर्वक किया हुआ सार्थक चिंतन
साधक को मिथ्या अभिमान में ही आबद्ध रखता है, जो ह्रास का मूल है। अतः प्रत्येक भाई बहन को शीघ्र अतिशीघ्र व्यर्थ चिंतन का अंत करना अनिवार्य है। नीरसता की भूमि में ही व्यर्थ चिंतन की उत्पत्ति होती है। नीरसता का नाश करने के लिए वर्तमान को सरस रखना अत्यंत आवश्यक है। वह तभी संभव होगा जब आए हुए सुख दुख का सदुपयोग किया जाए। सुख का सदुपयोग सेवा तथा दुख का सदुपयोग त्याग है। दुखियों को देख करुणित और सुखियों को देख हर्षित होना ही सर्वोत्कृष्ट सेवा है। शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं की ममता और अप्राप्त वस्तुओं की कामना का अंत कर अहम और मम से सर्वांश में रहित होना ही वास्तविक त्याग है। सेवा और त्याग में ही प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग निहित है। परिस्थितियों के सदुपयोग से ही सभी परिस्थितियों से अतीत दिव्य चिन्मय नित्य जीवन से अभिन्नता और उत्कृष्ट परिस्थिति की प्राप्ति होती है। किंतु परिस्थितियों में जीवन बुद्धि स्वीकार करना, परिस्थितियों की दासता में आबद्ध होना है, जिसके होते ही वर्तमान नीरस हो जाता है और व्यर्थ चिंतन उत्पन्न होता है। इस कारण प्रत्येक परिस्थिति साधन सामग्री है, जीवन नहीं। साधन दृष्टि से सभी परिस्थितियां समान अर्थ रखती हैं। अतः प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग में ही भविष्य की उज्ज्वलता निहित है। पवित्र भाव से लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए वर्तमान कर्तव्य कर्म को करना अनिवार्य है। भौतिकवादी विश्व के नाते, आध्यात्मिकवादी आत्मा के नाते एवं आस्तिकवादी प्रभु के नाते प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कर सकते हैं। यह नियम है कि जिसके नाते कार्य किया जाता है, कर्ता अंत में उसी की प्रीति हो जाता है। प्रीति की जागृति में ही जीवन की पूर्णता है। प्रिय रहस्य वे ही साधक जान पाते हैं जिन्होंने व्यर्थ चिंतन को त्याग वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्ज्वल बनाया है। जीवन सूत्र। कमी होते हुए कमी का अनुभव न करना परम भूल है, क्योंकि इस भूल से ही सभी भूलें उत्पन्न होती हैं। कमी का अनुभव करना और उसे मिटाने का प्रयत्न करना ही मानव जीवन का आरंभ है। अपना मूल्य कम न होने पाए, यही पुरुषार्थ है। शरीर से
लेश मात्र भी संबंध न रहे, यही त्याग है। प्रतिकूल तथा अनुकूल परिस्थिति का अपने पर प्रभाव न होने देना महान बल है। अपने से भिन्न किसी प्रकार की सत्ता स्वीकार न हो, यही प्रेम है। सब प्रकार से प्रेम पात्र का हो जाना अपनत्व है।